स्वागत आपका। मैं हूं निधि और आज इस खास पेशकश में एक बड़ा ही अहम मुद्दा हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे कम करने के लिए प्रशासन ने बाजारों में, बड़ी जगहों पर, व्यस्त चौराहों पर लेफ्ट राइट का फॉर्मूला लागू किया है, यानी एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी, एक दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। ऐसे में सबसे बड़ी मार पड़ी है उन ठेले वाले व्यापारियों पर जो हर दिन अपनी दिहाड़ी के लिए ठेला लगाते हैं, सब्जियों का, फलों का ठेला लगाते हैं, फुटपाथ पर अपना व्यापार चलाते हैं। अगर लेफ्ट राइट फॉर्मूला लागू किया गया है तो ऐसे में उन ठेले व्यापारियों का क्या? खैर, जब लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ और धीरे धीरे व्यापारियों को इजाज़त दी जाने लगी, ऐसे में ठेले व्यापारी भी ठेले लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन निगम प्रशासन जो है उसकी सख्ती अक्सर ठेले वालों पर ही देखी जाती है, रेहड़ी वालों पर ही देखी जाती है। और इसी को लेकर कुछ घटनाएं हुई है शहर में जो कि सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। अपनी मजबूरी के चलते एक मासूम, जिसके माता पिता नहीं है, जो अनाथ है, वो अपना पेट पालने के लिए ठेला लगाता है, लेकिन निगम का अमला वहाँ पहुँचता है और महीनों की कमाई जो एक ठेले पर सिमटी हुई थी उसे बर्बाद कर देता है। अगली तस्वीर भी कुछ इसी तरह की है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी बीमार माँ का खर्चा उठाने के लिए, चार पैसे कमाना चाहता है, ठेले पर कुछ फल बेचकर पैसे बचाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर भी निगम का सख्त रवैया देखने को मिलता है। निगम प्रशासन का एक अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है और उनकी सारी सख्ती जो है वो फिलहाल इन ठेले वालों पर ही निकल रही है। ऐसे में जब बात आती है इनकी मदद की तो राजनेताओं की चुप्पी भी काफ़ी कुछ कह जाती है। जब चुनाव का सीज़न होता है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है गरीबों की मदद करने की, लेकिन असलियत में आज जब उन्हें मदद की ज़रूरत है तो आखिर राजनेता मौन क्यों हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आ रही है? इसी बात को लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे और राजनेताओं की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता गोविंद मालू इस वक्त हमारे साथ है। गोविंद जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज़ टीवी पर। और जैसा कि चर्चा चल रही थी, हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे मसले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर राजनेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही, आखिर राजनेता क्यों मौन है? निधि जी, देखिए, हर परिस्थिति का अलग अलग अपना अपना उसका तरीका है कि उससे कैसे निपटा जाए। आज की परिस्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना और जो हिदायतें सरकार ने प्रसारित की हैं उनका पालन जनता को करना चाहिए, और यदि वहीं कहीं उसमें चूक होती तो एक बड़ा भयानक त्रासदी को हम आमंत्रण दे रहे होते हैं। इसलिए ये सख्ती प्रशासन को अपनानी पड़ती, लेकिन इसके साथ ही एक अमानवीय चेहरा प्रशासन के कारिंदों के डंडों से नहीं निकलना चाहिए। हम इस बात पर पूरी तरह से, अपनी तरफ से भी, हमारे सब लोग भी इस बात को के लिए बहुत ही सजग हैं, संवेदनशील हैं कि गरीब व्यापारी, गरीब जनता पर कोई भी अत्याचार ना हो। यदि कोई पालन नहीं कर रहा है उसे समझाइश दी जा सकती है, उसको बताया जा सकता है, और यदि दंड करना हो तो दंड किया जा सकता है। लेकिन जब एक नियम प्रसारित किया गया कि इकट्ठा नहीं होंगे, झुंड नहीं लगाएंगे, तो उसका पालन तो कराने के लिए अमला जाएगा ही और वो कार्रवाई भी करेगा, लेकिन कार्रवाई में किसी तरह का एक भय या एक ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि लोगों को लगे कि कोई मुगल शासक आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए और जो प्रशासन के लोग हैं, हमारे जो नौकरशाह, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जी गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें समझाने के लिए। यही हम बात करेंगे एक और राजनेता से, उनसे भी जानना चाहेंगे इस पूरे मसले पर उनकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेश गर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज़ टीवी पर। और जैसा कि आपने फिलहाल सुना ही होगा, जिस तरह की चर्चा चल रही थी, जिन घटनाक्रम पर हम सवाल उठा रहे हैं, वहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। राजनेताओं की चुप्पी इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।
नहीं आप देख सकते हैं, अभी थोड़े दिन पहले की 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, छोटी ग्वालडोली वाला व्यापारी जो पूरा आया था मामला, उसमें हमने पूरी ताकत से लड़े लड़के उनको चालू कराया सभी चीजों को। बात करें ठेले वालों की, तो नगर निगम आप इतने दिन से देख रहे हैं कि जब नवनीत सिंह जी नगर निगम में थे तब भी यही यही हरकतें इंदौर में हुई थी। क्या मालूम ठेले वालों से उनकी क्या दुश्मनी है और गरीब लोगों से उनकी क्या दुश्मनी है, या कुछ अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सारी रणनीति है, ये मुझे समझ में नहीं आता। और आप बात कर रहे हैं राजनेताओं की, तो मैं तो पूरे टाइम मैदान में हूँ। अभी भी मेरी मीटिंग जो चल रही है वो मंडे को एक जन आंदोलन को लेकर चल रही है, और इसीलिए हम आंदोलन करना चाहते हैं कि जो गरीबों को ठेले वालों को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो लोग आतंकवादी है। निगम की पीली जीप का आतंक इस प्रकार मचाया जा रहा है कि इंदौर के अंदर पूरा इंदौर शहर की जो सीमा है उसके अंदर ठेले वाले कहीं खड़े नहीं हो सकते, गरीब आदमी कुछ बेच नहीं सकता। अरे वो आज कमाएगा खाएगा नहीं तो अपना पेट कैसे पालेगा, मतलब आप क्या चोरी डकैती की तरफ उनको अग्रसर करना चाह रहे हैं? प्रशासन का रवैया तो बिल्कुल परे है समझ से। जी शैले जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर इस पूरे मामले में और क्या ऑप्शन हो सकता है और किस तरह से इस मामले को सुलझाया जा सकता है? नहीं देखिए, आप ठेले वाले क्या शराब की दुकान से कोरोना नहीं फैलता है क्या? आप एक बार शराब की दुकान पे जाइए, आपके कैमरामैन को लेके आप देखेंगे वहां कितनी भीड़, हजारों की मात्रा में भीड़ है, तो क्या वहां कोरोना नहीं फैल रहा है? क्या शिवराज सिंह चौहान जब तबाह लेते हैं बड़ी बड़ी, 1-1 हजार 2-2 हजार लोग रहते हैं, जब कोरोना नहीं फैलता है? मंदिर बंद है, शराब की दुकानें चालू है, मेडिकल की दुकान पे कोरोना नहीं फैल रहा है, केवल ठेले वाले ही इसके लिए जिम्मेदार है। किस प्रकार की नीति और कौन से वैज्ञानिक इस प्रशासन के अंदर आके बैठे हैं? मैं समझता हूँ जब जब मनीष सिंह जी अधिकारी के रूप में। जी शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि फिलहाल बात की जा रही है निगम प्रशासन के अमानवीय चेहरे की, या ये कहें कि ये जो घटनाएं हैं वो इंसानियत को शर्मसार करती है, क्योंकि लॉकडाउन के समय से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा असर किसी पर पड़ा है तो वो यही है निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग, ठेले वाले, सब्जी वाले, जो फुटपाथ पर व्यवसाय करते हैं वो लोग। लेकिन बात जब आती है मदद की तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। उम्मीद करते हैं कि मदद का हाथ इस वर्ग तक भी ज़रूर पहुँचे और जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह से चिंता जताई जा रही है, उसका असर हो और कहीं ना कहीं इस वर्ग को भी अपना हक मिल सके। एमपी न्यूज़ की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।